नमस्कार, मैं हूँ गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर वन न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की इंदौर की तारीफ, बोले कि दिन में 2 लाख से ज्यादा पौधे लगाकर बनाया रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में इंदौर में हुए पौधारोपण की तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश में स्वच्छता को लेकर मशहूर इंदौर शहर ने अब एक और उपलब्धि हासिल कर ली। आपको बता दें कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत शहर में एक ही दिन में 2 लाख से ज्यादा पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाया गया है। ऐप के जरिए जान सकेंगे आप सरकारी योजना के लिए पात्र हैं या नहीं। मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ पाने के लिए आप पात्र हैं या नहीं, ये अब किसी दफ्तर अधिकारी या बिचौलिए के पास जाकर पूछने की जरूरत नहीं है। मोबाइल एप्लीकेशन से आप पूरी जानकारी पा सकते हैं। पात्रता ऐप नाम से गूगल प्ले स्टोर पर ये ऐप है। अब तक 10 विभागों की योजनाएं इसमें शामिल की जा चुकी हैं। एमबीबीएससी ने विशेषज्ञ डॉक्टर्स की 1085 पदों पर वैकेंसी निकाली। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए विभिन्न 1085 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। ये भर्तियां इंटरव्यू के आधार पर की जाएंगी। इसमें मेडिकल विशेषज्ञ, रेडियोलॉजी विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, सर्जरी विशेषज्ञ, निश्चेतना विशेषज्ञ के पदों पर भर्ती की जाएगी। बाबा महाकाल की दूसरी सवारी कल निकलेगी। इस बार 4 LED पर लाइव दर्शन। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर से श्रावण महीने में बाबा महाकाल सवारी के रूप में दूसरे सोमवार 29 जुलाई को नगर भ्रमण करेंगे। जिला प्रशासन व मंदिर प्रशासन ने दूसरी सवारी के साथ चलने वाले लाइव दर्शन के ट्रैक में अब 4 LED लगाई हैं, जिसके माध्यम से 4 दिशाओं से श्रद्धालुओं को भगवान के दर्शन होंगे। मध्य प्रदेश के रायसेन, नर्मदापुरम समेत 10 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी है। उत्तरी छत्तीसगढ़ पर बने हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रविवार को पूर्वी मध्य प्रदेश में पहुंचने के आसार हैं। इसके अलावा मॉनसून द्रोणिका भी मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है। इंदौर, उज्जैन समेत मध्य प्रदेश के अनेक शहरों में देर रात से ही बारिश का दौर चल रहा है। एमपी के मंत्री को ठगने की कोशिश करने वाला रह चुका है कई नेताओं का ड्राइवर। उसके पास मंत्री और विधायकों के नंबर मिले। मध्य प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत से ऑनलाइन ठगी का प्रयास करने वाला आरोपित उत्तर प्रदेश के इटावा से गिरफ्तार हुआ। आरोपित ने 19 जुलाई को मंत्री को भाजपा का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का सहायक बनकर फोन कर 5 लाख रुपए मांगे। आरोपित 58 वर्षीय राजेंद्र वर्मा पेशे से टैक्सी ड्राइवर है और यूपी के कई नेताओं की गाड़ियां चला चुका है। श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सौगात, महाकालेश्वर ओंकारेश्वर के लिए इस दिन से चलेगी स्पेशल ट्रेन। सावन के माह और राखी के त्योहार को देखते हुए यात्रियों की बढ़ती डिमांड के चलते रेलवे ने स्पेशल ट्रेन संचालित करने जा रही है। बता दें कि रेलवे 30 जुलाई से 20 अगस्त तक स्पेशल ट्रेन चलाएगी, जो इंदौर से कोटा के बीच ये स्पेशल ट्रेन चलेगी। उज्जैन जाने वाले दर्शनार्थियों को भी इस ट्रेन से फायदा होगा। 1 अगस्त से 12 अगस्त तक होने वाली अग्निवीर भर्ती रैली स्थगित। सेना में जाकर देश सेवा करने की तैयारी में जुटे युवाओं को एक झटका लगा। सरकार ने 1 अगस्त से 12 अगस्त तक ग्वालियर में आयोजित की जाने वाली अग्निवीर भर्ती रैली को स्थगित कर दिया। अब यह भर्ती रैली कब आयोजित की जाएगी, इसकी जानकारी और नया कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा। टिकट बंटवारे में आलाकमान की नहीं चलेगी जीतू पटवारी की, ये बात सुन चौंक जाएगा कांग्रेस हाईकमान। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का एक वीडियो चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल पीसीसी चीफ इन वीडियो में कांग्रेस की टिकट वितरण प्रक्रिया के बारे में बात कर रही हैं। वे अपनी ही पार्टी के टिकट वितरण सिस्टम पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने तंज कसना शुरू कर दिया। बारिश का कहर, कोलार डैम के 8 में से 2 गेट खोले। विदिशा, सीहोर, श्योपुर में बाढ़ जैसे हालात। राजधानी भोपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण बारिश के सीजन में पहली बार कोलार डैम के गेट खोले गए। लगातार बढ़ रही जलस्तर को देखते हुए कोलार डैम के 2 गेट खोल दिए गए, तो वहीं श्योपुर में पार्वती नदी के उफान पर होने के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।